चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान में आनंद और कन्न प्रभु ये वस्तु अंत अनंत गुण वसेला ऐसी आखिर वस्तु है ये उसको या चैतन्य कहे। चैतन्य में से चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित भावना अंत चैतन्य स्वरूप की चैतन्य स्वरूप की परिणमित भावना अंदर इन नियमों चैतन्य देवा चेतन से एवं चैतन्य गुण से ऐसी चैतन्य की परिणति प्रोत्पन्न हुई। ऐसी परिणति भावना राग देश में से नहीं उदय हुई। प्रसिद्ध करू अंतर नहीं जैने राग ने द्वेश बिना चैतन्य मूर्ति प्रभु एनी चैतन्य माथी चैतन्य भावनाओं करनी ये भावना ऐसी यथार्थ भावना है। माई पुरपंत बरपंत के विकल्प की क्या अपेक्षा न थी। ऐसी भावना यथार्थ भावना हो तो यह भावना फलती ही है। मेरी जीवन आपसे थोड़ी बात चैतन माथी भावना चैतन्य जागी अने करवानो ये छे। ये चैतन्य भावना जे परणमी ये पूर्ण फले छूटो एनु फल पूर्ण आवे। यदि नहीं फले जगत को चल ब्रह्मांड को सुन होगा उन्होंने आप जेनी बात है पूरी क्या कर रहे हैं।
चैतन्य स्वरूप भगवान उसके चैतन्य भावना राग ने द्वेष ज्ञानी उसकी भावना फले नहीं। जगत में जो ये भावना न फले तो जगत को चौदह ब्रह्मांड को उत्पन्न होना पड़े क्या कहते हैं। वास्तविक जैसे चैतन्य अंदर भावना जागी है उसका जो चैतन्य पूर्ण प्राप्त न हो तो जगत ने सुन हो एट्ले की भावनाओं फल न आए तो द्रविंद थी जेने वात से भाई चैतन्य भावना फल न फले तो ये चैतन्य पूर्ण नहीं एट्ले द्रविंद नहीं है। तो द्रव्य नहीं तो जगत का द्रव्य का नाश होगा जीने से थोड़ी अपने चैतन्य की भावना यदि नहीं फले तो जगत को चौदह ब्रह्मांड को अपनी भावना अंदर से पूरी हुई अने उसका परिणाम पूर्ण न हो तो जगत सुन होना पड़े क्योंकि द्रविद रहे नहीं। ये चैतन्य की भावना से है उसका फल द्रव्य पूर्ण पूर्ण द्रव्य उसका फल है। जो ये भावना न फले तो पूर्ण द्रव्य आवे नहीं पूर्ण द्रव्य न हो तो जगत को सुन हो जाए जुदी जाती बात पड़ी। अंतर में भगवान चैतन्य मूर्ति प्रभु चैतन्य भावना अंदर मस्तिकाली ये भावना न फले तो ये द्रिगन्न रहे इतने भावना थी अने द्रिगन्न थाय पूर्ण थाय इतने जगत ने सुन पड़े जगत जगतना बदा प्राणी के जीव के भावना फल रूपे पूर्ण न आए तो तीती तत्वों के नाश हो पड़े जी बात से मेरी पंडित जी जी बात से बहन न वचनों से अनुभूति मना निकलेला है हम तो आनंद ना अनुभव में आई बात पड़े बापू बहु सादी भाषा बात ये कहते हैं कि आप प्रभु जी थे अंदर नित्यानंद नाथ ने भावना राग ने द्वेष ज्ञानी ये भावना जो न फले तो द्रव्य रहे नहीं द्रव रहे नहीं एटले जगत तो सुन नहीं जाए। समझ में आया ये भी न फले भावना फलती ही है। पहले तो अजन अस्थि की बात करिए भगवान आत्मा अंदर चैतन्य ने ढंडोली ने शुद्धी ने सर्जो जेने राग रही वेद ज्ञान अंदर प्रकट किया ये पूर्ण प्रमुख न पामे तो ये द्रव्य न रही सके। द्रव्य न रहे तो भी तो बता द्रव्य नाशी जाए दरेक द्रव्यनी भावना ने पर्याय अंदर एनाथी पूर्ण की प्राप्ति न थाय तो वस्तु न रहे। જય જનેવાદ છે બહેનના વચનો અંધનમાં છે પંચમહારાના પ્રાણીને પણ એ વસ્તુ છે એને કોઈ પંચમહારો ચોથવારો નથી કેમ કે જે આ શાસ્ત્રો કીધા એ પંચમહારાના સાધુએ અને પંચમહારાના જીવને મટ્યા છે ચોથારાવાળાને કહ્યું નથી કંઈ
तो यहां पर कोई जीव विवाह कैसे निकले। भगवान आनंद मूर्ति प्रभु ये भाव वस्तु अस्थि रूप है, उसकी असर सत्ता का स्वीकार थे जी मोक्ष का मार्ग की भावना प्रकट हुई। ये भावना मुक्त और मोक्ष न आवे जगत ने सुन हो करे दृग नहीं सके नहीं, इतनी भावना जोर आत्मा नो आवे कि आ भावना फरे झुटको केवल डीबे झुटको। हा ये बात है, आप अफ्रीका में हो दीदी हा चौदह ब्रह्मांड को श्रम लेना पड़े। एक बात इतलिए कि जेनी जे दृढ़ छे तेनी भावना यथार्थ हो अने ये दृढ़ फले नहीं तो दृढ़ का नाश हो जाए तो जगत की सुन हो जाए जगत। अथवा तो इस दृढ़ का नाश हो जाए समूचे बात करी सारा जगत की द्रव्यनी भावना है द्रव्य न फले तो द्रव्य का नाश हो जाए। कारण के भावना फल जो द्रव्य पूरण कर ये न आए तो बोली भावना निष्फल गई, भावना निष्फल गई तो फल न मिले एटे ये द्रव्य नो नाश थो। बात है प्रभु देनी पड़े बात से शू पुता भावना पुता ने न फले जगत ने बापू प्रभु एम ये बात है कि जे द्रव्य है जे सत्ता थी स्वतंत्र है ये सत्ता की भावना करता ये सत्ता पूर्णपणे पर्यायपणे न थाय तो ये सत्ता नहीं रही। सत्ता न रहता जगतना पदार्थो सत्ता रूपे छे ये रही सकते नहीं। जोर अंदर नहीं पूछ सकते अप्रति हाथ भावना फल से जी आ भावना थी ये आत्मा पूरण थे छूटको एम विघन विघन आवानु नथी भले मैं पंचमहारा में आया। हा शास्त्र में कहूं 38मी गाथा में अबुध तो प्रतिबुध तो एने समझायो 38 गाथा समझो ने ए रीते समझो अप्रतिभूत समझो। कोई कहते हैं का समय स्तर तो मुनि ने जो है अंतरिमी गाथा में तो अप्रतिभूत ने बात करे थे। हाँ ये अप्रतिभूत समझो एने गुरुए समझायो वारंवार समझीने ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र थयुं और कहते हैं उसमें है पाठ टीका कि हमारे जो आप प्राप्त हुआ है उससे हमें चूत नहीं होगा। पंचमहारा नाम प्राणी है अने पंचमहारा नाम को कहना गुरु है इसी आप दशा हमारी पाछी पड़े ऐसा है नहीं। आंतरिक निगाथमा है जहां पर ध्यान लगी कहा गया अचूत हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान थी चुत होना ही नहीं शंका होगी नहीं। ये जोर आवन जो ये अंदर थी ये कहीं बाहर नहीं प्रवृत्ति निकली आई हमारी कहीं हाथावी नहीं। अंदर नु जोर चैतन्य प्रभु आखो भगवान पूर्णानंद नो नाथ चैतन्य रत्नाकर चैतन्य चैतन्य रतन ने भरेलो आगर आकार एटले दरियो
चैतन्य रत्नाकर भगवान यानी जन भावना हुई उन्होंने पापना राग विष भाव विज्ञानी भावना थी। उन्होंने पापना विकारी भावना विना चैतन्य भावना हुई वो चैतन्य फड़े छुटको उसको केवल ज्ञान प्राय छुटको अने केवल ज्ञान ने पूरणता की भावना नकामी जाए ने भावना फल नकामी जाए ना सजा दिल नो जरी जीणु से आ तो अंदर ना जोर की बात है। भाववान आत्मा त्रिकाली भाव भगवान स्वरूप बधा भगवान स्वरूप छे। आत्मा एक समय पर्याय सिवाय भगवान स्वरूप छे। बधा आत्मा को निवृत्ति मानी सब द्रव्य जो है तो त्रिकाली निरावर नहीं है अखंड है अविनाशी है। ऐसी चीज की अंतर्दृष्टि हुई ऐसी चीज की अंतर्भावना हुई अने आत्मा प्राप्त न थाय अंतरिम काल में बने नहीं प्राप्त नहीं थतो तो उसका कारण क्या। कारण ये जितनी योग्यता है उसको पकड़ने की चाहिए इतनी योग्यता का अभाव है। भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु अनंत गुण नो धरियो हेतु है अनंत गुण नो सागर है। एक चीज को पकड़ने में आवे भावना थाय सुंदर संज्ञान थाय अनेक केवल ज्ञान न थाय अने पूर्ण दृढ़ पर्याय पड़े प्रणमे नहीं प्रण काल में बने नहीं। पंचमाड़ा प्राणी की बात है आड़त्रीमी गाथा मैं लगी लीधो अप्रतिबद्ध तो ये संकेत पाए वो ये कहते हम संकेत नहीं पड़े वो पाठ है आड़त्रीमी गाथा। भाई अंतर की जुदी है बाहर ना आचरण ने क्रिया बधी बात में बाहर ने जड़ जुदी है। दयाराम ने व्रत भक्ति पर जड़ है। हिंदी में यूं जड़ है जड़ है। दयाराम भक्ति आदि मेरा परिणाम क्योंकि उसमें चेतन का अभाव है। चेतन का अभाव है तो उसमें अचेतन भी है अने अचेतन की जिसको प्रीति है उसको चैतन्य की प्रीति है नहीं और जिसको चैतन्य की प्रीति हुई उसको पुनपाप राग अचेतन है इसकी प्रीति रहती नहीं। जिसका आत्मा का रस चया चढ़ा उसका राग का रस नाश हो जाता है। अने राग का रस जो रहे तो आत्मा की शांति का रस नाश हो जाता है। समझ में आया तो यहां कहते हैं कि ये भावना न फले तो चौदह ब्रह्मांड को सुनो ना। अपना जोर है अपनी पर्याय के भावना से पर पर्यायवान पूर्ण प्राप्ति न हो तो दुनिया नहीं रह सके क्योंकि भावना फल द्रव्य द्रव्य न आवे तो जगत में द्रव्य नहीं रह संग्रह रह सके। जीणू से प्रभु बात जरी अंदर नी से अनुभव नी बात से एक बात अथवा ये द्रव्यता नाश हो जाए ये जिसकी भावना आत्मा एक
आत्मा का आनंद स्वरूप भगवान उसकी आनंद किया और पूर्ण प्राप्त न हो तो दर्द का नाश हो जाए। साधक का साज पूर्ण प्राप्त थे छुट को न साय तो साधक का नाश होने से साध का नाश होगा। आई बात से प्रभु ये आत्मा ना बहुत नहीं वात अंदर से पंचम आरो बारा मिलता नहीं कारण के समय सार प्रवचन सार नियम सार सब कहने वाला तो पंचम आरो साधु था अने पंचम आरा ना श्रोता ने समझाते थे एम नहीं कि ये बात चौथा आरा नहीं पहला आरा नहीं सुनती है नहीं आरो बारो को आत्मा को नड़ते नहीं आत्मा कहता तो कहीं को कोई नड़ते नहीं ऐसा भगवान अंदर सच्चिदानंद प्रभु उसकी जिसको भावना यथार्थ हुई है फले छूट गयो परमात्मा फले छूट गयो। हा 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 छूट गयो क्या कहते हैं क्या ना परमात्मा से छूट गयो हमारी भाषा से परमात्मा हो जाए हैं अवश्य फलेंगे। परंतु ऐसा होता ही नहीं। हा हा मैंने ये बात करी पछी ऐसा होता ही नहीं। मैंने रात्रि कोई तुमने बोली लेला बहनों दीकरी में बोला लखाव छे लखाव था अनुभूति माथी लखायेल है आत्मा ना संन्यास दर्शन ने अनुभूति एमा की आ सब वाणी आई है। हा हा ऐसा होता ही नहीं। चैतन्य के परिणाम के साथ कुदरत बंधी हुई है क्या कहते हैं चैतन्य का जी निर्मल परिणाम उससे पूर्ण हूं ऐसा द्रव का स्वभाव ही है कुदरत उसकी बंधाई है कि अपना परिणाम जो चैतन्य शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान आदि शुद्ध परिणाम हुआ तो इन्हें पूर्ण परमात्मा हुआ ही ऐसा कुदरत इसलिए द्रव का स्वभाव ऐसा है वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। चैतन्य के परिणाम के साथ कुदरत बंदी कुदरत नही गुरु का स्वभाव ऐसा है गुरुना स्वभाव न रहे नहीं अपनी भावना थे भावना आवे तो वस्तु रह सके नहीं। कोई एम कहते हैं कभी हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर क्यों संकित नहीं होता इसकी तो झूठी बात है। जितना प्रमाण में अंतर्मुख में प्रयत्न चाहिए इतना प्रयत्न खामी ने लई नहीं आत्मा हाथ में हाथ नहीं आता अने के हम प्रयत्न बहुत करते पर हाथ नहीं आता ये झूठी बात है। नहीं हाँ हाँ हमें तो मेहनत बहुत करते हैं ये पत्ता नहीं खाता अर्थ ऐसा हुआ कि साधन तो बहुत करते हैं साधु आवता नहीं ये बात ऐसी होती नहीं कभी। जितना प्रमाण युक्ति राग ने द्वेष ने रही चैतन्य परंती सूक्ष्म अपने पकड़ने को चाहिए जितनी इतनी न हो अने पकड़ में आवे तरण में तरण का बने नहीं अने इतनी सूक्ष्म परिहार प्रकृति हो पकड़ में न आवे ये पण कोई बने नहीं। समझ में आया हिंदी बात से बापू कालब्धि कुछ वस्तु है ही नहीं टूडल मुझे हम कहा है मैं तो एम कहता हूं घना पैर ऐसे बहुत इकोते के हिसाब से
एक तेर के सब काल भी तुम्हारे तार ली लेना है कि उसका ज्ञान करना है। क्या किया तुमने आज कालब्धी ना धारणा धारणा में धार लेना है कि कालब्धि का ज्ञान करना है। कालब्धि का जब ज्ञान होगा ग्रह स्वभाव आया तो कालब्धि का ज्ञान होता ही है। टूडन जी लिखे हैं कालब्धि ने भवित्व कुछ वस्तु नहीं ऐसा लिखा है। वस्तु है ये किला नहीं एकदा कालब्धि है नहीं। कालब्धि का ज्ञान किसको अंदर होता है? कालब्धि कालब्धि गोखे नायक शब्द है उसका क्या इसके प्रतीति किसको होती है कि अपना द्रव्य तरफ जिसकी दृष्टि हो और चैतन्य का अनुभव उसके काल पुरुषार्थ स्वभाव निमित्त का अभाव स्वभाव सब आते हैं पांचे संभव एक समय में आता है। आखिरी बात है भाई समवाय पांचा ने पांचे समवाय ये समय पुरुषार्थ द्रव्य ऊपर आया पर्याय द्रव्य ऊपर ढले झुके पांचे समवाय होगा न हो ये बने निकरण काल में ये तो बात है चले कहो द्रव्य नो स्वभाव ऐसा है कि भावना हो या न हो तो द्रव्य नो ना कर जाए कुदरत तो ना कर जाए जीनी बात है भाई। नंदी नहीं बात तो पहले थी मौत कहते थे हमारे मैं क्रियाधन पे रही तेर के सामने बारम्बार एम कहते थे केवल ज्ञानी नीठा ऐसा होगा केवल ज्ञानी नीठा ऐसा होगा अपने क्या पुरुषार्थ कर सके। अत्यारे हमारे क्रमबद्ध में आया है कि क्रमबद्ध में होगा कि नहीं होगा हमारे पुरुषार्थ कहां आया है। क्रमबद्ध ऐसी निकली है ना यहां से क्रमबद्ध क्या था एक समय द्रव्यनी दरेक समय जी पर्यावनी होगी क्रम सर होगी आगे पास इंद्र फेर जैनेन्द्र फेर सके नहीं जो द्रव्य की जो समय की पर्याय तेज समय की तेज पर्याय दूसरे समय की दूसरी तीसरे समय तीसरी ये पर्याय को फिर फिरवान है इंद्र ने नरेंद्र ने जनेन्द्र समर्थ नहीं ये बात तो एक बात बे बात होती नहीं चीजी का था समय था कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को छूते नहीं एक आत्मा परमाणु को छूते नहीं परमाणु परमाणु को छूते नहीं आ परमाणु एक परमाणु में है एक परमाणु दूसरा परमाणु को छूते नहीं मेरे का स्वतत्व स्व अपने में अपने कारण से परम रहा है पर की अपेक्षा उसमें है नहीं। आखिरी बात है इसका विश्वास कहते हो परमाणु परमाणु से स्पर्शता नहीं बिल्कुल छूते नहीं एक परमाणु है न दूसरा परमाणु रसायन कहते हैं समय था एक द्रव्य दूसरा अपना धर्म को चुंबते हैं देखना है हिंदी नहीं हो गुजराती सर्व पदार्थों अपना द्रव्यमान अंतर्मग्न रहे
संस्कृतिका का है, संस्कृतिका का है समय साहब। सर्व पदार्थ अपना द्रव्यमान अंतर्मग्न रह होने से अनंत धर्मों का समूह को चुने हैं, चुंबे है। मेरे पदार्थ अपना गुण पर छूते हैं, परमाणु के आत्मा मेरे अपनी पर्याय को छूते हैं, स्पर्शते हैं। पोपम जीव परस्पर एक बीजा ने स्पर्श करता नहीं। हा 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 बात गजब, वितराग सिवाय ये बात हो ही नहीं। एक रचकन बीजा रचकन को छूते नहीं। अंगुली में अनंत परमाणु में है तो एक एक परमाणु दूसरा परमाणु को छूते नहीं। अपना परमाणु में अपनी प्रणति अपने से अपने में अपने कर से है। निश्चय एट सत्य व्यवहार एट उपचार है। लिखा हुआ कि एक दूसरे का उपकार करते हैं, ये खोटी बात है। भाई ने आनंद कहते ना चौदह ब्रह्मांड लखे थे, पी नीचे लगे परस्पर उपग्रह एम लखे थे। कोई एनो अर्थ स्वार्थ सिद्ध में एवं कहो कि उपग्रह नो अर्थ निमित्त है। कोई कर सके दूसरा तो उपकार ही ऐसा है ही नहीं, निमित्त है। अरे बात क्या, एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य उपग्रह का उपकार करे इतनी काल में है नहीं। उपकार का अर्थ क्या दिया है कि निमित्त की उपस्थिति, उसका नाम उपकार कहने में आया है। निमित्त हो, निमित्त जगत में तो हो ही, पर जब जब जी द्रव्य की पर्याय होने वाली है अपने से होती है। निमित्त मात्र चीज दूसरी भले हो, निमित्त को छूते नहीं। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को छूते नहीं कभी। एक परमाणु बीजा परमाणु को छूते नहीं, आत्मा कर्म को छूते नहीं। बात जीनी से भाई आई तो छेड़ ये पोते निहार दिता ले क्रमबद्ध क्रमबद्ध चलती है। एक पची एक पर्याय चले उसकी दृष्टि द्रव्य पड़ जाती है। क्रमबद्ध की जासना निर्णय क्रम नियमित है, समय अनुसार तन से आठ क्रम नियमित है। क्रम नियमित बराबर बराबर जे समय जय पर्याय होंगी के होंगी पीछे होंगी पीछे आगे पासी थे फारा है ये नहीं। ऐसा क्या चीज गाथा है तो ये प्रश्न उठा था बहुत। केवल ज्ञानी दिखाए ना होगा, आपने पूछताछ करे शू कर सकू। आ इकोतेर की बहतेर की बात है। मैं इतना कहा कि एक समय ज्ञानी एक समय किनका तीन लोग जानते हैं अपनी पर्याय द्रव्य गुण को भी जानते हैं। ये पर्याय लोकालोक को जानते हैं, ये पर्याय अपनी अनंती पर्याय बाय प्रकट है उसको जानती है। ऐसी एक समय की पर्याय की सत्ता स्वीकार करने वाला, ऐसा एक समय की पर्याय की सत्ता स्वीकार करने वाला द्रव्य पर दृष्टि बिना स्वीकार नहीं हो सकता। एक समय नहीं केवल ज्ञान नहीं, एक पर्याय सारी दुनिया है। कारण की एक पर्याय में लोकालोक जनाते हैं, द्रव्य गुण जनाते हैं, अनंती पद्धति एक पर्याय दुनिया में एक पर्याय वस्तु एम सारा त्रण काल त्रण लोग उसमें जानने में आते हैं।
ऐसी एक समय की पर्याय की सत्ता आ रीते अंदर विचार करीने नमन करीने अंदर भगवान आत्मा तरफ झुकाव करीने निर्णय करे उसको सम्यक दर्शन होया बिना रहे नहीं। हा समझ में आया, मोटी बात है। घनी कली सत्ता नो शिकार केवल ज्ञान, केवल ज्ञान बता बोलते मन, पर केवल ज्ञान कहना कोई को केवल ज्ञान दीठा ऐसा होगा, पर तुमने जी केवल ज्ञान की श्रद्धा है कि नहीं, पीछे दीठा अनु होगा तो केवल ज्ञान की सत्ता का स्वीकार करेगा, उसका ज्ञान पर दृष्टि चाहिए। अपना स्वभाव सैतानंद प्रभु यानी दृष्टि जा केवल ज्ञान की सबसे सत्ता स्वीकार करेगा या अपनी सत्ता में स्वीकार लिए बिना सत्ता पर्याय क्या निर्णय पर्याय से होता नहीं। पर्याय का निर्णय इंद्र विकास से होता है। जिनों लागे भगवान मार्ग आछे प्रण लोकनाथ सिमंदर भगवान कह रहा है। ये बात है, फिर सारे किंचित मात्र नहीं। अपनी एक समय नहीं सत्ता ओछी बात है। आ दुनिया में एक समय पर्याय सत्ता ये भी एक एक ही है। एक पर्याय केवल ज्ञान की एक ही है। एक समय की एक पर्याय में त्रण लोकालोक द्रव्यगुण पर्याय द्रव्यगुण तो अपनी अनंती वर्तमान प्रकट पर्याय सब जाने की ताकत एक समय में है। एक समय की पर्याय को जहां सत्ता स्वीकार करता हो जाएगी उसकी पर्याय पर दृष्टि नहीं रहेगी। यानी दृष्टि द्रव पर जाएगी, क्योंकि पर्याय में पर्याय के आश्रय से निर्णय पर्याय का नहीं होता। सूक्ष्म है भगवान, सूक्ष्म पर्याय का निर्णय द्रव के आश्रय से होता है। मूल अंदर तत्व की मूल बात तो ओछी थी गई, कम होगी मानो फेरफार हो गया। बहुत एक एक परमाणु दूसरा परमाणु को छूते नहीं, एक आत्मा एक बीजा कर्म को छूते नहीं। और दरेक परमाणु ने आत्मा में क्रम सर पर्याय होगी, आगे पीछे नहीं, पर ये क्रम सर पर्याय का निर्णय करने वाला की दृष्टि द्रव्य पर जाएगी। द्रव्य पर जाएगी तो उसको संकित ही होगा। ऐसा या बेने जा क्यों छे एम या जोर वालों था। अंतरना स्वभाव नी भावना स्वभाववान प्रभु एनी उसकी भावना एनु फल सफल फल आवे, फल ना आवे तो ये वस्तु का नाश होगा, ये वस्तु का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये ना नहीं रहेगा ना का जगत के अस्तित्व नहीं रहेगा, अथवा वो द्रव का नाश होगा, क्योंकि द्रव की जी शक्ति है पूर्ण उसकी प्रतीति न अनुभव में भावना आई, ये भावना का फल पूर्ण द्रव्य न आवे तो द्रव का नाश होगा। निर्णय से भाई आप आयु से तो थोड़ू कही थी, मैं तो एटली बड़ी जीवनी बात करता नहीं घना। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, स्वभाव की भावना ने चैतन की करी, चैतन द्रव्य उसकी भावना अनंत गुण का पिंड
की जहां भावना अंदर हुई निर्विकल्प हुई, निर्विकल्प भावना राग रहित हुई, राग रहित हुई वो भावना से केवल ज्ञान नाम पूर्ण दिशा प्राप्त होगा होगा नहीं होगा, हो तो द्रव का नाश होगा। द्रव की स्थिति ऐसी है नहीं, द्रव का साधन जिसने किया उसका साध आए छूट को है। हा हा हा, घनी बात समय साधना आड़तरी का समय लिया है। प्रतिभूत समझे तो गया जब हम अभी पर छूटेगा नहीं, हमारी श्रद्धा ज्ञान अनुभव से हम छूटेगा नहीं। पाठ है संस्कृत टीका है मानूमी का धन ऐसा है प्रवचन सार। हमें ये मार्ग लिया है अंदर से, ये मार्ग से कभी छूटे नहीं, छूट होता नहीं, हम भले में ये किला हो। पंच बार हमारा सोता नहीं पर आत्मा जोर आता है। अरे धर्म के बापा को सावधान से लोगों से लोग को माने साधन दया पाली ना वर्त लेंगे ना पड़ी ना डाली ने थे गया धर्म आप धर्म आप आकर आप सम्यक दर्शन। ये जहां थाय तारे आप बधुं सूझ पड़े कि आ हुई तो परमात्मा होगा ही होगा, न हो तो द्रव का नाश होगा। द्रव का स्वभाव ऐसा नहीं, कुदरत का द्रव का स्वभाव ऐसा है, साधक भाव आया तो साज भाव साज प्रकट होगा ही। ऐसी ही बात लिया है पड़ी जाए ऐसी बात लिया नहीं लिया। हाँ पड़ी जाते नहीं अज्ञान में घूम सने थे यह बात लिया नहीं आ बात लिया है आए पर ये लिया। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, यो अनंत तीर्थंकरों की कही हुई बात है। हा हा हा, जरी जीने बात आई है ऐसा यो अनंत तीर्थंकरों की कही हुई बात है। चैतन का परिणाम में चैतन परिपूर्णता न आवे एम अनंता तीर्थंकर क्यों नहीं। अनंता तीर्थंकर क्या है, भगवान चैतन स्वरूप पुण्य ने पाप ना विकल्प की रही, इसके अंदर में अनुभव हो, दृष्टि हो, भावना हो, निर्वल निर्विकल्प दशा हो, अने एने निर्विकल्प परमात्म पद साध्य प्राप्त न हो, प्रणकाल में बने नहीं। समझ में आया, एक विश में बोलती हूं त्रीस पूरी लक्ष्मी है हमारी बात पर हमारे को लिखना त्रीस में बोल जब बीज बोते हैं त्रिष्णु बोले जब बीज बोते हैं तब प्रकट रूप से कुछ नहीं दिखता। बीजा बोवे करके तरत बदले था तथापि विश्वास है कि इस बीज में से वृक्ष उगिर जाएगी, आ बीज में से वृक्ष उगेगा ही, उगेगा नहीं उगेगा ही। अंतर में आत्मा का बीज रोया रोपया
એ ઉગી જાય, એ કેવળ જ્ઞાન આવ્યા આવીના રહે નહીં. સટખણ લાગે મેં સાહેબ બોલે મતિ જ્ઞાન હોવા જબરદસ્ત હૈ, સ્વભાવ કા અનુભવ મેં સે મતિ જ્ઞાન જો હુઆ તો મતિ જ્ઞાન એસે કહેતે હૈ. મતિ જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાન કો બુલાતે હૈ, એસા પાઠ હૈ, બુલાતે એસા પાઠ હૈ. મતિ જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાન કો બુલાતે હૈ. આ ક્યા ઉસકા છે, જે બીજ ઉગી હૈ દુઈ દુઈ, એ પૂનમ હોગા, એ મેં દિવસે પૂનમ હોગા હી, એમાં નિશંક પણ હું, એમાં કુછ કોઈ શંકા કા સામ નહીં. એમાં ભગવાન સંગત દર્શન રૂપી બીજ આયા, કેવળ જ્ઞાન થયા વિના રહે નહીં. શું થાય, મૂળ ચીજ ઉપર ચૈતન મૂર્તિ નિર્વિકલ વસ્તુ ટિકાવ નિરાવરણ, જે વસ્તુ હૈ તો ટિકાવ નિરાવરણ હૈ, અખંડ હૈ, એક હૈ. જય સનાતન ટીકા, સનાતન ટીકા નો પાઠ, ટિકાવ નિરાવરણ પાઠ હૈ. સામાય છે ક્યાં જૈસે નાચન ટીકા હૈ, નામ ભી વાત છે. ક્યાં કહે થા, દેખો વણી સ્પષ્ટ કરને મેં આતે હૈ, વિવિક્ષિત એક દેશ શુદ્ધ નયાશ્રિત, વિવિક્ષિત એક દેશ શુદ્ધ નયાશ્રિત. આ ભાવના કહેવા માંગેલી થારેલી શુદ્ધિ રૂપ પ્રણતિ નિર્વિકાર સસંવેદન લક્ષણ સૂક્ષ્મ જ્ઞાન રૂપ હોવાથી, જો કે એક દેશ વ્યક્તિ રૂપ હૈ તો પણ જાતા પુરુષ એમ ભાવે છે કે જે સકળ નિરાવરણ, સંકટિકા છે સકળ નિરાવરણ પ્રભુ અંદર હૈ. સકળ નિરાવરણ અખંડ એક ગંભીર નહીં. સકળ નિરાવરણ અખંડ એક પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસ નહીં. સંસ્કૃત મેં હૈ પંચ સમય સાથ, સમજ મેં આયા, પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસ નહીં, અવિનશ્વર શુદ્ધ પરિણામી પરમ ભાવ લક્ષણ, શુદ્ધ પરિણામી પરમ ભાવ લક્ષણ, નિજ પરમાત્મા દર તેજ હું છું. સમયસર નહીં, જય સનાતન ટીકા મેં, જય સનાતન ટીકા મેં અક્ષર અક્ષર લખી લીધા મૂળ. હા હા હા, ક્યાં કહેતા જો એ રીતે સિદ્ધાંતમાં કહેમ હૈ કે નિષ્ક્રિય શુદ્ધ પરિણામી કરો, શુદ્ધ પરિણામી ભાવ નિષ્ક્રિય હૈ, શુદ્ધ પરિણામી ભાવ સક્રિય નહીં,
પરિણામ નહીં, પર્યાયમાં પરિણામ નહીં. નિષ્ક્રિયનો શો અર્થ છે કે ક્રિયા રાગાદી પંક્તિ તે રૂપ નહીં. મોક્ષના કારણભૂત ક્રિયા શુદ્ધ ભાવના પ્રણતિ તે રૂપ પણ નહીં. એની વાત છે પ્રભુ. દ્રવ્યરૂપ જે વસ્તુ હૈ, ચિત્રિકા નિરાવરણ હૈ, અખંડ હૈ, એક હૈ, મોક્ષ કા કારણરૂપ ભી નહીં. મોક્ષ અને મોક્ષના કારણ દો રૂપે એ નહીં દ્રવ્ય, એસા પાઠ. જો મોક્ષના કારણભૂત ક્રિયા શુદ્ધ ભાવ પ્રણતિ તે રૂપ નથી, ઓર એમ જાણવામાં આવે છે શુદ્ધ પરિણામે ધ્યેય રૂપ ધ્યાનરૂપ નથી. ધ્યાન વિનશ્વર હૈ, પાઠ હૈ. ધ્યાન વિનશ્વર હૈ, પાઠ હૈ. ધ્યાન વિનશ્વર હૈ, માટે ધ્યાન કા ધ્યાન નહીં. ગજુ વાત ભાઈ, ધ્યેય કા ધ્યાન. યોગેન્દ્ર દવે પણ કહા હૈ, યોગેન્દ્ર ને યોગસાર મેં કહા હૈ, નવી ઉપજી નવી મરે બંધુ ન મોકો કરી, જીવો પરમસ્તે જોયા જિનવર એવો ભણેગી. આ શ્લોક હૈ. યોગી હે યોગી, અંતર સ્વરૂપમાં જોડાણ કરને વાળા કો યોગી કહેતે હૈ. પરમાર્થ હૈ જીવ ઉપજતો પણ નથી, પરમાર્થ હૈ જીવ ઉત્પાદ થતો નથી. ઉત્પાદ રહી કે જુદો છે, ઉત્પાદ રહી ધ્રુવ ઉપર તીરતા હૈ. પરમાર્થ હૈ જીવ ઉપજતો પણ નથી, મરતો પણ નથી. વ્યય થતો એનો એનો વ્યય નથી, વ્યય તો ઉત્પાદ રહેલો છે. અને બંધ મોક્ષ કરતો નથી. પર્યાય ને પર્યાય પર દ્રષ્ટિ નહીં. હું તો નફા છે જૈસા નાચન ટીકા સમય સાર. યા કહેતે હૈ આઈડિયા કેટલા મોગ લાગ્યો? બીજ બોયા વિશ્વાસ હૈ, બીજ મેં એસે પત્તા ફલ ફળ ફૂલ સબ હો ગયા, સબ હોગા હી. સંગા પડી ગયા. જબ જીવ બોતે હૈ, જબ બીજ બોતે હૈ, તબ પ્રગટ રૂપ સે કુછ નહીં દિખતા, તથાપિ વિશ્વાસ હૈ કે ઇસ બીજ મેં સે વૃક્ષ ઉગેગા, ઉસમેં સે દાને પત્તે ઇત્યાદિ ફલેગા, પશ્ચાત ઉસકા વિચાર નહીં આતા. હા 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 ઉસી પ્રકાર, એ તો દર્શા દો આ મૂળ શક્તિ રૂપ દ્રવ્ય કો યથાર્થ વિશ્વાસ પૂર્વક ગ્રહણ કરને સે. કૃષ્ણ બોલો, ક્યાં ક્યાં દેખો. ઉસી પ્રકાર એટલે જેમ બીજ વાળાનો વિશ્વાસ આવે તેમ ઝાડ હોગા એ. ઉસી પ્રકાર મૂળ શક્તિ રૂપ દ્રવ્ય, મૂળ શક્તિ રૂપ દ્રવ્ય પરમાત્મા પોતે
त्रिकाल निरावरण अखंडानंद प्रभु एक रूप जिसका त्रिकाल में पर्याय में अनेक रूप है, द्रव्य में एक रूप है। ओहो ऐसे एक अखंड निरावरण परम परिणामिक भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य त्यू धर्मी ने अति हूं ऐसा भाई खंड ज्ञान का अनुभव नहीं। आ हा 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 कहते हैं कि द्रव्य को यथार्थ विश्वास पूर्वक ग्रहण करने से भगवान आत्मा द्रव्य ये पूर्णानंद का नाद ध्रुव अचल उसका आश्रय लिया इसका ग्रहण किया और निर्मल पर्याय प्रकट होती है। द्रव्य में प्रकट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता, पहले प्रतीत हुआ अनुभव में मैं सब सिंह प्रदेश के अनंत गुण पुस्तक दिखने नहीं आता। क्या किया प्रकट पहले सम्यक दर्शन में अनुभव होता है, आनंद का स्वाद आता है अतिन्द्रिय आनंद का, पर दिखते नहीं असंग प्रदेश ज्ञान कमी ने अच्छे ने असंग प्रदेश आदि कहा। तो कहते हैं कि दिखाई नहीं देता पहले, इसने विश्वास बिना क्या प्रकट होगा विश्वास बीज में से वृक्ष होगा ही। हम मेरे आत्मा का बीज सम्यक दर्शन हुआ उसमें से केवल ज्ञान होगा ही, केवल भ्रमण रहेगा नहीं कभी। ऐसा अंतर में से विश्वास न आवे तो मैंने आत्मा जाने न दी। आवी जड़ियो अच्छे पंडित जी हम सब निवास है भाई। क्या प्रकट होगा ऐसा लगता है, इसलिए विश्वास बिना क्या प्रकट होगा ऐसा लगता है कि परंतु दृढ़ स्वभाव का विश्वास करने से दृढ़ स्वभाव आत्मा का विश्वास करने से निर्मलता प्रकट होने लगती है, निर्मलता प्रकट होने लगती ही है, आनंद की शुद्धि होती है। दृढ़ का आश्रय हुआ इसको दृढ़ का आश्रय से शुद्धि उत्पन्न हुई, दृढ़ का आश्रय से शुद्धि टकी रही और दृढ़ के आश्रय से शुद्धि वृद्धि हुई। करना क्या आ करूं करना क्या है, करना है मरना है। ज्ञान स्वरूप को करना बताना राज राजा भी मरे जो आत्मा क्या क्या फिर ज्ञान स्वरूप भगवान जानम लेखन स्वभाव उसको कुछ करना सौंपना राग करना मन पाप का करना सौंपना क्या ज्ञाता अपना का नाश होता है। समझ में आया ज्ञातापना मैं ज्ञान स्वरूप का पिंड हूं, मेरी चीज में कोई मैल अशुद्धता कोई है ही नहीं, ऐसी चीज की जिसको विश्वास हुआ उसके फलेगा ही। दृढ़ स्वभाव का विश्वास करने से निर्मलता प्रकट होगी, प्रकट हुई भी नहीं रहे नहीं। तो बेनना वचनों में अनुभव ना वचन है।
બરાબર. હા 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 રાત્રિ ભૂલી ગયા પડે રાત્રે થોડુંક બોલે સાહેબ થોડું મા બેન એટલે લખી દીધેલું બહાર આવ્યું નહીં તો બહાર આવવાની એને તો ઓકે મળતા જેવા છે. હા હા આપણું આ વાણી એની છે વચના મરતા હોય એમના તો બધા ને પેટ બાબા.